फ्रैक्चर की अगर हम बात करें सो दिस इज अ फ्रैक्चर ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस जैसे आप यहां देख सकते हैं रेडियस के लोअर एंड का फ्रैक्चर है विद द डिसलोकेशन और द दब्सेशन ऑफ द डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट दिस इंजरी इज द काउंटर पार्ट ऑफ द मोन्टेचियर फ्रैक्चर डिसलोकेशन मोन्टेज फ्रैक्चर डिसलोकेशन जैसा कि हम पहले और पहले की वीडियो में स्टडी कर चुके हैं वहां पर फ्रैक्चर होता है अपर एंड ऑफ द अल्ना अल्ना का अपर सेक्शन इन्वॉल्व होता है एंड द डिसोकेशन ऑफ द रेडियल हेड हेयर देर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस विद द डिसलोकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिजल रेडियो ज्वाइंट सो मैकेज ऑफ इंजरी की अगर बात करें मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द फॉल ऑन ए नाउट स्ट्रेच हैंड दैट विलीड टू दिस फ्रैक्चर नाउ डिसमेंट रेडियस फ्रैक्चर इज़ एंगुलेटेड मोस्ट ऑफ़ द टाइम मीडियली एंड इंटीरियरली सो इस फ्रैक्चर में डिसप्लेसमेंट होता है कॉमनली होता है और डिसप्लेसमेंट भी कैसा होता है कि रेडियस बोन हमारी एंगुलेट होके मीडियली और इंटीरियरली आ जाती है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर द डिस्टल एंड यूर अर्नर जॉइंट इज डिस्टर्पटेड ये अपनी तरी अपनी जगह से ये जो ज्वाइंट है ये डिस्टर्प्ड हो जाता है रिजल्टिंग इन टू द डिसोकेशन ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ दी अल्ना डायग्नोसिस जैसा कि आपको पता है कि डायग्नोसिस के लिए जब भी हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स चेक करते हैं सो पेशेंट आके हमें एक हिस्ट्री देगा विच इज़ द फॉल ऑन एन आउटर स्ट्रेच हैंड एट द सेम टाइम हम देखेंगे वहाँ पर पेन है स्वेलिंग है डिस्टर्ब एन एटमी होगी जो डिफॉर्मिटी है वो नजर आएगी मूवमेंट फॉर आर्म के नहीं हो पाएंगे एंड एक्सरेटेड फ्रैक्चर ऑफ द डिजटल हाफ ऑफ द रेडियस जब भी हम बात करते हैं रेडियस के डिजिटल हाफ की जो कि आइसोलेटेड फ्रैक्चर है डिजिटल रेडियोनर ज्वाइंट मस्ट बी केयरफुल एवेलुएटेड फॉर दबलाइजेशन ऑफ और द डिसोकेशन ऑफ द डिस्टल रेडियोलर जॉइंट। जैसे कि हमने मोन्टेज फ्रैक्चर डिस्लोकेशन में स्टडी किया था कि जब भी आइसोलेटेड फ्रैक्चर होता है अल्ना का द रेडियल हेड ऑफ द रेडियल हेड शुड बी केयरफुली looked फॉर फॉर द dislocation। हेयर uh, ऑल्सो जब भी आइसोलेटेड फ्रैक्चर होगा डिस्टल रेडियस का सो so केयरफुली जो हमारा डिस्टल रेडियोलर ज्वाइंट है उसे इवेलुएट करना होगा कहीं ऐसा तो नहीं वहां डिसलोकेशन या सबलाइजेशन है नाउ इज द ट्रीटमेंट इट इज डिफिकल्ट टू अचीव एंड मेंफेक्ट रिडक्शन बाई द मेथड ऑफ क्लोज रिडक्शन जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव मेथड कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू प्रॉपर अलाइनमेंट में फ्रेगमेंस को लाना कई बार डिफिकल्ट uh, होता है एक्सेप्ट इन चिल्ड्रन वहां पर बिकॉज इनकम्पलीट फ्रैक्चर होता है तो वो इजिली uh, अपने मतलब वो अपने अलाइनमेंट में होता है तो कंजरवेटिव मेथड से इजिली क्योर किया जा सकता है बिकॉज अडल्ट में और एल्डरली में क्या होता है क्योंकि कंप्लीट फ्रैक्चर है सो मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं इसलिए सर्जरी इज़ द बेटर ऑप्शन सो ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन ऑफ द रेडियस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ प्लेट जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं प्लेट की हेल्प से रेडियस को फिक्स किया गया है जो हमारा डिसलोकेटेड रेडियोलर जॉइंट होता है यहाँ पर जो भी डिसलोकेटेड जॉइंट है वो ऑटोमेटिकली अपने अलाइनमेंट में आ जाता है इट फॉल बैक्स इन इस प्लेस वंस द रिडक्शन इज डन ओपन रिडक्शन जैसे ही हो जाता है वो अपने प्रॉपर स्पेस में आ जाता है नाउ कम्स द कॉम्प्लिकेशन माल यूनियन इज़ वन ऑफ द कॉमस कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस फ्रैक्चर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अलाइन यहाँ पे क्या चांसेस होते हैं कि रीडिस्प्लेसमेंट uh, डिसप्लेसमेंट के चांसेस होते हैं सो so, माल यूनियन का रीज़न क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रेगमेंस and this result into deformity and the limitation of of supination and pronation so jab bhi aisa hota hai aise cases mein kya kiya jata hai open reduction ya internal fixation kiya jata hai if the malunion is too much agar slight malunion union hai aur koi functional impairment nahi hai to use aise hi chhod diya jata hai I hope आपको ये वीडियो समझ में आया हो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर हमारे साथ हैव अ गुड डे